खुशी है? हाथ उठा के बताइए कि खुशी है। चलिए और ऊपर वाले भी बोलिए तो बहुत खुशी है आपको, तो हमको भी इस बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है। बिहार के लिए रविवार को ऐतिहासिक दिन रहा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार प्रयास से पतित पावनी गंगा का जल आखिरकार अपने मूल मार्ग से 100 किलोमीटर दूर और लगातार ऊंचाई पर चढ़ते हुए राजगीर तक आ पहुंचा है। इससे नालंदा जिले के लोगों को सालों भर पीने के लिए पर्याप्त जल मिल सकेगा। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का लोकार्पण किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद थे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब एक ही काम बचा है, जरासंध के अखाड़े के पास जरासंध स्मारक बनवाया जाएगा, इससे पर्यटकों का ज्ञानवर्धन होगा। नीतीश ने कहा कि अब कोई चीज नहीं बची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर कन्वेंशन सेंटर पूरा बिहार में पहली बार राजगीर में बना, देश में इसकी चर्चा हुई। नेचर सफारी, जू सफारी, घोड़ा कटोरा से लेकर कई काम राजगीर के लिए किए। किसी को जाने आने में समस्या न हो इसके लिए भी सुविधा दी गई। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में अब नेचर सफारी, जू सफारी बनवा दिया गया है। पर्यटन के लिहाजा से लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजगीर काफी महत्वपूर्ण जगह है। नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर के लिए बहुत से काम किए हैं। गंगा नदी की धार यहाँ आने से लोगों को काफी सुविधा होगी। हर तरह की जरूरतों के लिए जल घर तक उपलब्ध होगा। एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी घर पर ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना पर वो बहुत पहले से काम कर रहे थे। वहीं इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंजीनियर होने का फायदा बिहार को मिल रहा है। संजय झा ने बिल गेट्स का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के जल जीवन अभियान की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल से कम समय में राजगीर की यह योजना पूरी हुई है। एक बोतल गंगा जल लेने के लिए लोग 100-200 किलोमीटर तक जाते हैं। अब नीतीश कुमार की कोशिश से लोगों को 100 किलोमीटर दूर नहाने के लिए भी गंगा का जल मिलेगा। नीतीश कुमार को पूरा देश पुकार रहा है, यह बात ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही। इतना सुनते ही हॉल में मौजूद महागठबंधन कार्यकर्ता नीतीश ने जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने न केवल राजगीर गंगा जल आपूर्ति योजना बल्कि शराबबंदी, बालिका साइकिल योजना जैसी न जाने कितनी ऐसी पहल की जिनका अनुकरण करना पूरा देश चाहता है। मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने कहा कि आज राजगीर के लोगों को नहाने और पीने के लिए गंगा का पानी मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि पानी के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, इसे बर्बाद होने से रोकना है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और विजय कुमार चौधरी ने संक्षेप में अपनी बात रखी और दोनों नेता पटना रवाना हो गए। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि यह योजना फ्लड मैनेजमेंट में नजीर साबित होगी। गंगा जल को 11 शक्तिशाली पंप के जरिए हाथीदह से राजगीर गया, बोधगया और नवादा पहुंचाया जाएगा। राजगीर में इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना को पूरा करने का सारा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। मुख्यमंत्री बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करते हैं। महागठबंधन की सरकार आम लोगों की जरूरत के हर मसले पर काम कर रही है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा काम करके दिखाते हैं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं। राजगीर की यह योजना इसका उदाहरण है। गंगा का जल घरों तक पहुंचाने की बिहार सरकार की ये योजना इकलौती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यह योजना सबसे बड़ी है। सीएम आज जिस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं उसके जरिए राजगीर गया, बोधगया और नवादा 4 शहरों के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। बिहार के बक्सर में ऐसी ही योजना के जरिए गांव गांव तक गंगा से निकालकर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये सभी गांव गंगा से बिल्कुल सटे हैं। इस योजना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना राजा भगीरथ से की जा रही है। दरअसल राजगीर में करीब 100 किलोमीटर दूर से गंगा का जल लाया गया है। यह इलाका अपेक्षाकृत ऊंचा और पहाड़ी है जहां पेयजल की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। नालंदा जिले के राजगीर में घोड़ाकटोरा झील एवं पंचाने नदी के बीच 9.915 MCM क्षमता का 2 किमी लंबा एवं 17 मीटर ऊंचा अर्देन डैम बनाकर पानी को संरक्षित किया जाएगा।
गंगा में बरसात के मौसम में आई बाढ़ का पानी पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया और नवादा लाकर संरक्षित किया जाएगा। और गंगा जल यहाँ पहुँचने लगा और सब कुछ जो देखते थे, जब हम आते रहते थे अनेकों बार, तो बड़ा लोगों को खुशी होती थी कि बहुत अच्छा है, यहाँ पर आ रहा है अब हम लोग गंगा जल। अब गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था, तो उसी के चलते तो अब तो लोगों को होगा, हर घर में बता दिया गया, यहाँ के हर घर में पहुंच जाएगा आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोगों को, और परिवार में एक एक व्यक्ति है, जितना भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। आप सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। तो खाली पानी पीजिएगा नहीं, अपने घर में सारा काम उससे कर सकिएगा, खाना भी बनेगा, पानी भी पीजिएगा, सफाई भी करिएगा, कपड़ा भी साफ करिएगा, नहाइएगा, सब कुछ काम कर लीजिएगा। कोई भी काम, जितना पानी की जरूरत किसी भी घर में होती है, उतनी भी आपूर्ति आप सब लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। कर रहे हैं राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम दिए हैं, तो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये पहला बार पूरे बिहार में बना। और जब यहाँ पर बना तो आपको मालूम है, इसके बारे में जब देश भर में पता चला तो दिल्ली से लोग, यहाँ तक कि पार्लियामेंट से कई तरह का मीटिंग करने के लिए यहाँ लोग आने लगे। ये जरा सोच लीजिए जब बना दिए इसको हम लोग, और कितना बढ़िया इसके बारे में लोग इज्जत करने लगे कि कितना बढ़िया बन गया कन्वेंशन। अब तो इसके अलावा हम तो कई जगह बना दिए, पटना में भी, बोधगया में भी, अनेक जगहों पर कई जगह बनाए, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं ये तो पहली बार बना यहाँ पर। और इस तरह से बना करके सब काम किया गया, तो कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया यहाँ पर, आप सोच लीजिए। हर तरह से नेचर सफारी, जू सफारी, क्या नहीं बनवा दिया। अब आप सोच लीजिए कितना तरह से लोगों को सुविधा है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, अभी ऐतिहासिक स्थल में नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे, 20-22 देशों के लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे, और ऐसा कहीं कोई इंस्टीट्यूशन था। और हम लोगों ने चालू किया है इसीलिए कि सब जगह के लोग आकर के यहाँ पर पढ़ें और यहाँ के लोग भी देखें। और जो है मलमास मेला है, अब उसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, 3 साल में एक बार होता है। जो हम लोगों का कुंड है इसमें आते हैं कितने लोग बोलिए, 3 साल में एक बार लोग, कितना एक महीना तक जो चलता है, और इसकी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी और देवता, भले उनका चेहरा न देखे, आ जाते हैं यहाँ पर। और कितनी भीड़ होती है यहाँ, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो जरूरत थी ना जी कि हम लोगों का जितना कुंड है ये सब ठीक ठाक रहे, तो उसी के लिए ना कि सब लोगों की आबादी बढ़ रही है, नीचे का पानी करते उठते हुए तो वहां पर भी संकट, इसलिए हम गंगा जल सबको पहुंचा रहे हैं। ये अब जानते हैं जो हम लोगों का कुंड है, अब ये सब बहुत सुरक्षित रहेगा। अब जितने लोग आते हैं और देख रहे हैं राजगीर का कितना बड़ा चीज है, सबसे पौराणिक स्थल है। अब एक ही चीज है, अब आप समझ लीजिए जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र तो अजात शत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजात शत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया, यहां से सीधे लिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना में, तो वो सबका तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, ये तो और उनके पहले का है, तो जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां,
अब भी कभी आते हैं तो देखते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, है आपके अधीन, हम ही कर देंगे। लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है, तो हमको बड़ा दुख है। इसलिए हमने अब एक सोच लिया है कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे मन में और है, तो हम कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, तो एक ही चीज बचा हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे जरासंध का खड़ा को ठीक करे, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। सोच लीजिए कोई चीज बचा है जी? अब आने जाने का रास्ता कितना बनवा दिए हैं, सड़क से लेकर के कौन चीज छूटा हुआ, हर तरह से काम यहां पर करवा दिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्थल है। और बचपन से हम लोग आते थे यहां पर, तो उसी समय से हुआ, और इसलिए हम तो बराबर आकर के यहां पर 7 दिन रह करके 2009 में एक एक चीज देख करके शुरू की, और बाकी जगहों पर भी गए, वहां पर भी हम करा रहे हैं, गया बुद्ध गया का भी कराए, कई जगहों पर सब काम करवा रहे हैं, लेकिन यहां पर वाला काम अब एक ही बचा है, उसको भी पूरा करा देंगे। तो ये पूरे तौर पर है, और इसीलिए गंगा जल की आपूर्ति यहां करवा रहे हैं, हर घर में गंगा जल पहुंच जाएगा तो सब लोगों को कितना लाभ होगा। आप सोच लीजिए कि गंगा जल ही आपको पीने का मौका मिलेगा, और गंगा नदी में लोग नहाने जाता है, आपके घर में गंगा जल रहेगा, रोज नहाइएगा तो गंगा नदी का ही नहाना हुआ जी, कितना बढ़िया चीज हो जाएगा ये गंगा जल। इसलिए गंगा जल का सदुपयोग करिएगा, और एक एक तरह से सब कुछ, और जितना भी काम है सबके मेंटेनेंस से लेकर के एक एक चीज के लिए हम लोग कौन सकते हैं। अच्छा आप लोगों को लगेगा ना जी कि गंगा जल पीने को मिल रहा, बोलिए कैसा लग रहा है, खुशी है, हाथ उठा के बताइए कि खुशी है, चलिए और ऊपर वाले भी बोलिए, चलिए तो बहुत खुशी है आपको, तो हमको भी इस बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है। आ सब जगह, आ सब मंदिर में भी जाएगा, ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि पानी नहीं, ये पानी सब जगह, जो भी रहते हैं उनको सब तरह का सुविधा, हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है, आज सारा जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहां दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहां वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुंचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले, इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं, और उनको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, ये उनकी सोच है, और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क पहुँचाया, चाहे गाँवों में, बसावटों में बिजली हर घर पहुंचाया, जल जो है नल से मिले इसकी योजना की शुरुआत की, और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहां ज़्यादा सुखाड़ है और ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहाँ एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, इसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, इसके लिए हम बहुत दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, और बहुत लोग कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन जो भी मौका हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मिला है, और ये नई महागठबंधन की सरकार है, और हम लोगों की हमेशा प्रयास रहा है कि जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाए,
चाहे आप देखिएगा, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, इस सब पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और चाहे बेरोजगारी के इशू पर जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग इनके नेतृत्व में हर एक डिपार्टमेंट जो है, जितने रिक्त पड़े पद हैं विभिन्न विभिन्न विभागों में, इसको भरने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। तो ज़्यादा समय हम ना देते हुए सभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर से लेकर के सभी अधिकारियों को हम बधाई देते हैं। विभाग के मंत्री संजय झा जी को बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय बिहार।